वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। आज हम लोनावला जाएंगे। लोनावला में इतने सारे स्पॉट्स हैं कि मैं बता ही नहीं सकता आपको, और सभी जो है ना 101 है बिल्कुल। फिलहाल पहले यहाँ पे पेट्रोल डलवा लेते, हम तो खा के आए, गाड़ी को भी थोड़ा सा खाने को देते और फिर बाद में आगे चलते। पूना से लोनावला जा रहे हैं, मतलब अराउंड 70 किलोमीटर है। जर्नी अराउंड 1 से 2 घंटे की होती है, वो तो अभी खैर डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना। अभी मैं देख रहा हूँ इन दिनों हाईवेज पे भी या फिर गांवों में भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, मतलब जहाँ पे देखो ना वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन के काम शुरू है, एक तो वहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। कुछ सालों पहले ये कुछ भी नहीं था, क्या कहती हो मॉम? ये जो अभी आपको सभी डेवलपमेंट दिख रही है ना, कुछ नहीं था। अभी ये फिलहाल हम NH-48 पे है। जाते जाते ही हमको अमरजाई टेम्पल लगता है, अंदर वही है, बिल्कुल अंदर वही है हाईवे। ये टेंपल पिछली बार से कुछ तो बदला से गिरा, ये मेन टेंपल है। ये मंदिर ना एक्चुअली स्वयंभू है गाइस, और बहुत प्राचीन है। मतलब मंदिर बाहर का स्ट्रक्चर तो खैर अभी डेवलप हुआ है, लेकिन मेन जो मूर्ति है वो बहुत प्राचीन है। पांडवों के काल से ये मूर्ति इधर है। पांडवों को जब 14 साल का वनवास हुआ था ना, तो पत्थर से अमरजाई हम कब आए थे यहाँ पे नवरात्रि में, तब कितनी मतलब लाइन होती थी ना ऐसे। हाँ हाँ, पार्किंग भी फुल होता है वैसे। देवी का मंदिर होता है वहाँ नवरात्रि में, भीड़ बहुत रहती है। अभी ये पार्किंग का वैसे इश्यू है वैसे कैसे आप, क्योंकि ये हाईवे के ही बगल में पार्क करनी होती है, तो हमने भी इधर ही किया जस्ट अभी, क्योंकि और वैसे व्हीकल से यहाँ पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रुक नहीं सकते। वो आने की उत्सव रहता है नवरात्रि का, रहता है बहुत ऐसा माहौल ऐसा बना रहता है कि आपकी उत्साह में रहते हैं। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति है। एक्चुअली ये जो एरिया है वो मेरे ख्याल से बारिश में बहुत अच्छा दिखता है। आ रही है, इसका खाना वाना सब हो चुका है मेरे ख्याल। कौन? हाँ ये उसको लगा कुछ खाना है, खाते आ गया उसको। ये इधर सबसे बड़ा इशू है कि पार्किंग नहीं है यहाँ पे, ऐसे इधर ये जो पैसेज है ना इधर पार्क करनी पड़ती है। ये अपना पहला टोल है, सोमाटने का टोल है। क्या व्यू है देखो ना यहाँ से, यहाँ पे एक है गाइस, ये जो पर्टिकुलर पहाड़ है ना यहाँ पे, ये लेफ्ट में कुछ ऐसी वनस्पति दिखती है हमें डेजर्ट टाइप की, ये देखो ये इस टाइप की, ये देखो कैक्टस टाइप की। राइट से इधर ट्रेन जाती है, ये देखो ओपन, अभी जाते हुए शायद दिखेगी पता नहीं, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है जब ट्रेन जाती है यहाँ से। तो हम पहले आते थे तब बार बार यहाँ से ट्रेन दिखती थी, है ना। ट्रेन से भी लॉन्ग ट्रैवल करना अच्छा लगता है ना, ये ऐसे अगर ट्रेन से जाते हुए कुछ लेक या फिर ऐसा कुछ आ जाए ना बगल में तो इतना वो सुंदर दिखता है लिटरली, है ना। ट्रेन से तो सफर करके हमें बहुत ज्यादा दिन हो गए, नहीं बहुत साल हो गए, राइट। मैंने मुझे तो मतलब याद ही नहीं कब लास्ट टाइम हमने ट्रेन से जर्नी की थी। मुझे लगता है 5वीं में स्कूल टाइम में ही गए थे। हाँ बहुत छोटे थे, मतलब मुझे तो याद ही नहीं है, मतलब इतना याद है कि बैठा था मैं ट्रेन में, लेकिन इधर गए थे क्या उतना कुछ खास याद नहीं है। जैसे जैसे गए जब ये लोनावला पास आते जाते हैं वैसे वैसे चिक्की फौज ये सब शुरू होता जाता है, मतलब बहुत पहले से ही हमको ये सब दिखने लगता है, ये चिक्की हाउस वो चिक्की हाउस। और वैक्स म्यूजियम भी वैसे यहाँ का बहुत फेमस है। सीन क्या हो रहा है, वो जो है ना वो इधर हमारे लाइन में घुस रहे बीच में, ये भाई भी
ये हो रहा है, इनको अलाउ कौन और कैसे कर रहा है? ये ऐसे अलाउड है यहाँ पे पता नहीं, है ना? लाइन देखो, ये भीड़ है, आते ही जा रहे लोग, आते ही जा रहे, आते ही जा रहे। ये देखो, ये इतने कहाँ से, मतलब क्यों जा रहे उधर इतने? ये देखो, पूरी पूरी भसड़ मच रखी है यहाँ पे। बस इधर से इधर जाने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं। अब ये सिग्नल देखो, कितना छोटा सा सिग्नल है। बस हमको ये जो आगे वाली गाड़ी है उसको पार करना है, उसके लिए भी आधा घंटा लगेगा हमें, क्योंकि वो सभी कुछ है ही नहीं इधर।